अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, उनको पता नहीं कि हमने कौन से खिलाड़ी को खिलाना है कौन से को नहीं खिलाना है। एशिया कप की सारी टीम्स का जो है वो स्क्वाड्स उनने अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन इंडिया का स्क्वाड जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ बीसीसीआई में भी जो है वो सब अच्छा नहीं है, और बीसीसीआई के भी लोग जो है वो इंतहाई नालायक और अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो शो कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो एक बार फिर जो है वो तब्दील होने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको सही खबर दे रहा हूँ कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल एक बार फिर जो है वो तब्दील होने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें गलती किसकी है, और इंडिया की तरफ से जो है ये जो अनप्रोफेशनल चीजें देखने को मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं? इस तरह की हरकतें करके इंडिया जो है वो अपना ही मजाक पूरी दुनिया में बनवा रहा है। पहला शेड्यूल जो वर्ल्ड कप का था वो 27 जून को जो आया था, उसके बाद मुख्तलिफ एसोसिएशन और सिक्योरिटी एजेंसी को होश आ गया कि ओहो इंडिया में तो फलां तारीख को फलां इवेंट है, इंडिया में जो है वो नवरात्रि का 15 अगस्त को तो नवरात्रि का पहला दिन है, कभी 12 नवंबर है उस दिन तो वो है काली पूजा का जो है वो त्यौहार है, तो जो है वर्ल्ड कप के शेड्यूल को चेंज किया जाए। मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा, और जो पुलिस वाले हैं उनने जो है वो अपनी जो एसोसिएशन हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि बीसीसीआई से आप रिक्वेस्ट करें कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल को जो है वो चेंज किया जाए। उसके बाद जो है वो बीसीसीआई की तरफ से ऐलान किया गया कि एक दफा फिर जो है वो रिवाइज शेड्यूल जो है वो आएगा, और इंडिया ये रिवाइज जो है वो नई रिवाइज डाल रहा है कि एक तो वर्ल्ड कप का जहां पे जो है वो 2015 और 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो साल साल पहले उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था, किसी को किसी किस्म की कोई मसला नहीं था हुआ, और टिकट्स के हसूल में कोई मसला नहीं था हुआ, ट्रैवल के सूरत में कोई मसला नहीं था हुआ, शायकीन को जो है वो हर चीज का बाकायदा तौर पर पता था, और एक बार जो है वो शेड्यूल जारी किया जाता है, लेकिन इंडिया की तरफ से उनकी नाअहलियां नालायकियां और उनकी बेवकूफियां सामने आ रही हैं, और आए रोज जो है वो बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल एक जो साल डेढ़ साल पहले अनाउंस हो जाता है उसको बीसीसीआई ने सिर्फ और सिर्फ 100 दिन जो है वो पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से 100 दिन पहले अनाउंस किया, फिर उसके बाद जो है वो ये अनाउंस किया गया कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है उसको रिवाइज शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात जो है वो इवेंट्स उस दौरान आ रहे हैं, तो मैचेस का शेड्यूल चेंज किया जाएगा। फिर पाकिस्तान के 3 मैचेस का शेड्यूल चेंज किया गया, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया जो 15 अक्टूबर को खेला जाना था वो शेड्यूल चेंज किया गया, पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का मुकाबला जो 12 नवंबर को खेला जाना था उसको 11 नवंबर के पर किया गया, और पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का दरमियान जो मैच हैदराबाद में खेला जाना था 12 अक्टूबर को उसको भी जो है वो 2 दिन पहले 10 अक्टूबर को कर दिया गया, और पाकिस्तान बशमूल जो है वो बाकी पाकिस्तान समेत बाकी सारी टीम्स को मिला के ओवरऑल जो है जो रिवाइज शेड्यूल आया था उसमें 9 मैचेस जो हैं उनके शेड्यूल को जो है वो चेंज किया गया था, और पीसीबी ने जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो मेरे ख्याल से 10 अगस्त को रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया था, और अब कहा जा रहा था कि यही फाइनल शेड्यूल है, लेकिन एक बार फिर जो है वो इंडिया की एक और एसोसिएशन को होश आ गई है, और वो एसोसिएशन कोई और नहीं, वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है, और उसने जो है वो बीसीसीआई को खत लिख दिया है कि भाईजान जो पुलिस है हैदराबाद की जो पुलिस है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनने मैच की जो सिक्योरिटी के सरप्राइज सर अंजाम देने हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है वो हैदराबाद में 9 और 10 को जो 2 कंसेक्यूटिव मैचेस हैं उनके लिए जो है वो हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान खसूसन पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के मैच के लिए जो है वो हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, लिहाजा पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के मैच को जो है वो उसकी डेट को चेंज किया जाए, 9 तारीख को जो है वो मेरे ख्याल से नीदरलैंड का मैच है, नीदरलैंड का मैच है न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद में, और फिर 10 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस जो है वो श्रीलंका का मैच 10 तारीख को खेला जाना है, तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बीसीसीआई को खत मौसूल हुआ है कि जो उसके पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वर्सेज नीदरलैंड के मैच पर जो है वो 3,000 जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी लगी होती है, और पाकिस्तान की जो टीम है जिस होटल में ठहरेगी तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी मुख्तलिफ जो है वो जगह पर पुलिस जो है वो अपने फ्राइज सर अंजाम दे रही होगी, तो लिहाजा हम जो है वो 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में 2 दिन में 2 कंसेक्यूटिव मैचेस के लिए जो है वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के मैच को जो है वो चेंज कीजिए। तो ये जो है वो बड़ा मुतालबा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आया है, और उनने जो है वो बीसीसीआई को बता दिया है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स वाले जो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले वो कह रहे हैं कि हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम 2 कंसेक्यूटिव डेज में जो है वो 2 मैचेस करवाएं और उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, तो लिहाजा जो है वो बीसीसीआई जो मैचेस हैं पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका वाला खसूसन उसको जो है उसकी डेट को चेंज करे। अब देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई का इस पर क्या रिएक्शन होता है, या बीसीसीआई एक दफा फिर जो है वो रिवाइज शेड्यूल जारी कर देता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अब एक तो
मुश्किल से जो है वो महीना डेढ़ महीना जो है वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में रह गया और टिकट जो है वो 25 अगस्त से उनकी सेल शुरू हो जानी है। तो फिर बीसीसीआई इन सारी चीजों को दोबारा रिवाइज शेड्यूल जारी करके सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा, ये बीसीसीआई के लिए जो है वो एक बड़ा सवाल और बड़ी जो है वो मुश्किल खड़ी हो गई है। और बीसीसीआई वालों की, उनके लोगों की, उनकी क्रिकेट एसोसिएशन की, उनके सिक्योरिटी एजेंसीज की, उनकी पुलिस एजेंसीज की, उनके पुलिस ऑफिशियल्स की जो नाअहली हैं और नालायकी हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। और इंडिया इस चीज को बार बार अपने एक्शन से साबित कर रहा है कि इंडिया इस काबिल नहीं है कि वो अकेला जो है वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर सके। जो आईसीसी ने इंडिया को जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट करने की जो उनको दिया था, मौका दिया था, इंडिया उस चीज में बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। और आईसीसी जो है वो आइंदा इंडिया को अकेले जो है वर्ल्ड कप किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी ना दे, क्योंकि इंडिया में जो है वो इतनी मुश्किलात हैं, इतनी टेंशन हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी नाअहल हैं कि वो जो है वो दो दिन में दो लगातार मैचेस नहीं करवा सकते। पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप का शेड्यूल, इतना टाइट शेड्यूल था, पाकिस्तान में भी मैचेस खेले जाने थे, श्रीलंका में भी मैचेस खेले जाने थे, एक ही वक्त में खेले जाने थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने आसान तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया, एक दफे शेड्यूल जारी किया और किसी भी मैच के जो है वो वेन्यू को, उसकी डेट को, उसका जो टाइमिंग है किसी को चेंज नहीं किया गया, जो टिकट्स की सेल है उसको प्रॉपर तौर पर किया गया और किसी भी चीज में कोई भी तब्दीली देखने को नहीं मिली, कि कोई बोर्ड जो है वो नाराज नहीं हुआ और सारे बोर्ड जो पीसीबी ने एशिया कप के लिए जो शेड्यूल जारी किया था, हालांकि दो मुल्क में हो रहा था एक ही टाइम में, लेकिन फिर भी पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहा कि आप थोड़ी तकलीफ कर लें, बाकी मुल्कों को जो है वो हम इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते। और उन्हें ऐसा शेड्यूल जारी किया है कि सारे मुल्क जो है वो उससे खुश दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड कप जैसे, वैसे तो पूरी दुनिया में जो है वो ये वो दावे करते हैं कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है, हम दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, हमने ग्राउंड्स पे इतने पैसे लगा दिए, हमने फलानी चीज पे इतना पैसा लगा दिया है, हमने फलानी ग्राउंड को जो है उसमें ये सहूलियात हैं, पाकिस्तान के पास ये सहूलियात नहीं है, हमारा बोर्ड जो है वो दुनिया का ताकतवरीन बोर्ड है, हमसे जो है वो क्रिकेट चलती है, हम ही आईसीसी को चलाते हैं और हम नहीं होंगे तो आईसीसी नहीं चलेगा। तो इंडिया की नालायकियां, नाअहलियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और इंडिया वाले ये चीज साबित कर रहे हैं कि भाईजान हमारे बस की बात नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को जो है वो हम अकेले होस्ट कर सकें, और आईसीसी ने हमें पूरा जो इवेंट है वो देकर जो है वो बहुत बड़ी गलती की है। और ये जो पहला जो है वो मैच 9 अक्टूबर को खेला जाना था, वो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड के दरमियान राजीव गांधी स्टेडियम इन ओपन में खेला जाना था, और उसके लिए जो है वो पुलिस वाले जो है वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी इंतजाम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का मैच जो हैदराबाद में खेला जाना है 10 तारीख को, उसके लिए जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि एक तो हमने मैचेस में ऑलमोस्ट जो है 3,000+ जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स वहां पे मसरूफ होंगे न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड के मैच में, फिर पाकिस्तान की टीम भी वहां पे ठहर रही होगी तो पाकिस्तान की टीम को भी सिक्योरिटी देनी है, तो वो हमारे लिए अलग जो है वो टेंशन है, और फिर पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का मैच भी अगले दिन करवाना है, उसके लिए भी सिक्योरिटी इंतजाम करने हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। पुलिस ऑफिशियल्स ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं और उनकी भी नालायकियां जो है वो सबके सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी नालायकी और नाअहली जो है वो मेरे ख्याल से बीसीसीआई की है और उनकी क्रिकेट एसोसिएशन की है, और जिसने ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल बनाया था उसका है कि आप इंडिया में रह रहे हो, आप कोई खलाई मखलूक तो हो नहीं, ये तो नहीं हो रहा कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो जो शेड्यूल बनाना था वो किसी ऑस्ट्रेलियन ने बना दिया है। फिर तो अगर किसी ऑस्ट्रेलियन ने, किसी इंग्लैंड वाले ने इंडिया में वर्ल्ड कप का शेड्यूल बनाया होता तो फिर भी आप जो है वो ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते कि ठीक है यार वो जो है वो किसी और मुल्क का, उसको इंडिया के त्योहारों का कैसे पता चलेगा, उसको इंडिया के हर त्योहार का तो पता नहीं होगा, तो शेड्यूल जो है वो थोड़ा चेंज कर ले। लेकिन इंडिया वाले इंडिया में रहकर उनको अगर ये नहीं पता कि हमारी पुलिस किस कैपेबल है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज में कितनी कैपेसिटी है, हमारी क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो उनको कब जो है वो होश आ जाएगी और कब वो सो जाएंगे, और किस दिन जो है वो कौन सा इवेंट है, किस दिन जो है वो कौन का मजहबी त्यौहार है, उसका पहला दिन किस तरह कौन से दिन है, हम उस दिन कोई मैच रखें या ना रखें, हम जो है वो किस टीम को किस दिन जो है वो खिलाएं, तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से बीसीसीआई का कसूर है। और अगर बीसीसीआई वालों को अपने मूल के अंदर सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर उनकी क्रिकेट एसोसिएशन को ये पहले जब पहले भी तो पता था ना कि 9 और 10 को लगातार दो दिन मैच रख लिया है, अब इनको जो है वो 10-15 दिन बाद पता चल गया जी, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भी पता चल गया ओहो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच और न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच 9 और 10 तारीख को इकट्ठा आ रहा है, तो हमारी पुलिस तो इस कैपेबल ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से ये उनकी क्रिकेट एसोसिएशन का भी कसूर है और सबसे बढ़कर जो है वो बीसीसीआई वालों का कसूर है, और
उससे भी बढ़कर ये, जब आप जो है वो आपका मकसद सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना होगा, जब आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखा के खुद को बड़ा साबित करना होगा, तो फिर मेरे ख्याल से जब आप जो है वो गरूर में आ जाएंगे, जब आप खुद को जो है वो सबसे बड़ा बोर्ड समझने लग जाएंगी, तो वैसे भी कहते हैं गरूर का हमेशा जो है वो सर नीचा होता है, तो जब आप जो है वो आपकी सारी तवज्जो जो है वो इस चीज पर होगी कि हमने खुद को बड़ा साबित करना है, खुद को जो है वो बड़ा साबित करके बाकी सब बोर्ड्स को अंडर प्रेशर रखना है, हमने जो है वो पावर पॉलिटिक्स खेलनी है, हमने जो है वो एंटी पाकिस्तान वोट्स लेने हैं, हमने जो है वो सियासत करनी है, हमने खेलों में सियासत को लाना है, हमने हर चीज में जो है वो बाकी सारे काम चलते रहेंगे, लेकिन जब बात आएगी स्पोर्ट्स की तो हमने स्पोर्ट्स में जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां लाना है, हमने स्पोर्ट्स में सियासत को लाना है, क्योंकि हमारी सियासत चमकी रहे। तो फिर मेरे ख्याल से ऐसी ही नाअहलियां, नालायकियां और बद अमनियां जो है और बद इंतजामियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और इस ये सारी चीजें करके इंडिया जो है वो अपनी जगह सही पूरी दुनिया में कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। इससे ना पाकिस्तान की जो है वो कोई मसला पाकिस्तान को दरपेश आ रहा है, और ना जो है वो किसी इंग्लैंड को, ना ऑस्ट्रेलिया, किसी को भी नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में लोगों को तकलीफ जरूर होगी, शायकीन के लिए भी मसला जरूर होगा, टिकट्स लेना, फिर होटल बुकिंग करना, फिर ट्रैवल करना, छुट्टियां प्लान करना, उसमें शायकीन को जरूर मसला होगा, और इसी वजह से काफी बोर्ड जो है वो इंडिया क्रिकेट बोर्ड से, बीसीसीआई से नाखुश है कि आपने जो है वो कोई सही प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से हमारी टीम भी सफर करेगी, हमारे फैंस भी सफर करेंगे, मीडिया पर्सन भी सफर करेंगे। चलो मीडिया पर्सन तो शायद इतना ना करें, लेकिन फैन जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, और हमें उनका ही नहीं पता कि हमने उनको किस तरह सारी चीजों को मैनेज करना है। तो बीसीसीआई ये चीजें साबित कर रहा है कि हमसे नाअहल पूरी दुनिया में कोई लोग नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईपीएल को करवा सकते हैं, अदरवाइज कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट अकेले करवाने का हमारे अंदर जो है वो ना ही हौसला है, ना ही कैपेबिलिटी है, और हम जो है वो हाईली अनप्रोफेशनलिज्म हमारे इदारों में पाया जाता है, और हमारे बस की बात नहीं है कि हम आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है करवाएं। अभी इस चीज पर बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच को चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये मैच जो है वो पहले 12 अक्टूबर को शेड्यूल था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 अक्टूबर को लाया गया, तो फिर पाकिस्तान की टीम को वो इंडिया वाले मैच से पहले भरपूर तैयारी के लिए और ट्रैवलिंग के लिए और रेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम देने के लिए ये मैच 12 से जो है वो 10 को शिफ्ट किया जाएगा। अब इस मैच को दोबारा अगर चेंज किया जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बदकिस्मती होगी, और ये जो है वो इंडिया दूसरों को तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजाक जो है वो अपना बनवा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो है वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भी अब होश आ गई है, और मुझे तो समझ नहीं आ रही इनको जो है वो रह के चीजें क्यों याद आ रही, इनको एक दफा ही पता क्यों नहीं पता कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। बहरहाल बिग फेलियर ऑफ बीसीसीआई, बिग फेलियर ऑफ बीजेपी, और बिग फेलियर ऑफ ऑल क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया, और उन बिग फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया, बिग फेलियर ऑफ जो है वो पुलिस कि वो इस कैपेबल नहीं है कि 2 मैच 2 दिन लगातार नहीं करवा सकते। आप वैसे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके अमल से जाहिर होता है कि आप नहायत नाअहल नालायक लोग हैं, और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो बदअमनी, बद इंतजामी और जो है वो अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखाना, और आपका काम कोई नहीं है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।